हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ वो सब्सक्राइब बॉक्स के नीचे जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरे फ्यूचर की कोई भी वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम सभी अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वी ऑल वॉन्ट द बेस्ट फॉर देम, पर हम जो खाना उसे खिला रहे हैं क्या वो पूरे मात्रा में बैलेंस्ड है? चलिए देखते हैं। तो मैंने 4 डॉग फूड ब्रांड्स को चूज़ किया है और चलो देखते हैं कि इन चारों डॉग फूड ब्रांड्स में से कौन सा डॉग फूड ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का फूड हमारे डॉग्स के लिए प्रोवाइड करता है। हम जब भी कोई डॉग फूड को जज कर रहे हैं हमें ऑलवेज देखना चाहिए कि उस डॉग फूड ब्रांड के इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या डाला गया है। तो हम देखेंगे पेडिग्री चिकन एंड मिल्क, ड्रूल्स प्रीमियम पपी चिकन एंड एग, जूस फोकस एंड रॉयल कैनन लैब्राडोर जूनियर। इन चार डॉग फूड ब्रांड्स में से सबसे ज़्यादा डॉग फूड कौन सा आपके डॉग के लिए बेनिफिशियल होगा एंड कौन सा सबसे ज़्यादा हानिकारक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि पेडिग्री डॉग फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। तो पेडिग्री में सबसे ज़्यादा सीरियल्स एंड सीरियल्स बाई प्रोडक्ट, नंबर 2 मीट एंड मीट बाई प्रोडक्ट, नंबर 3 चिकन एंड चिकन बाई प्रोडक्ट, नंबर 4 वेजिटेबल एंड वेजिटेबल बाई प्रोडक्ट एंड एट लास्ट वेजिटेबल ऑयल ऐड किया गया है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो चिकन में जो बिग पोर्शन आता है, ब्लड आता है एंड वेन्स पोर्शन आता है जो हम इंसान नहीं डाइजेस्ट करते, नहीं खा पाते, वो सब चीज़ों को लेकर बाई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। दैट कुड बी एनीथिंग। सो अगर आप आपके डॉग को पेडिग्री खिला रहे हो तो ये एक अंडर बैलेंस्ड डॉग फूड है। अगर आप आपके डॉग को पेडिग्री खिला रहे हो तो आपके डॉग को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सो पेडिग्री पहले से ही नो है क्योंकि ये एक अंडर बैलेंस्ड डॉग फूड है। सेकंड नंबर पे है ड्रूल्स प्रीमियम पपी चिकन एंड एग। सो ड्रूल्स प्रीमियम पपी चिकन एंड एग में सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है वो है चिकन, नंबर 2 है होल ड्राइड एग्स, नंबर 3 कॉर्न, नंबर 4 है राइस एंड नंबर 5 है व्हीट। तो आप देख सकते हो कि ये इसमें पेडिग्री के तुलना में बहुत ज़्यादा चिकन है, होल ड्राइड एग्स भी है, बट यहाँ पे कॉर्न्स है। कॉर्न्स डॉग के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं एंड बाकी रहते हैं राइस एंड व्हीट, पर कॉर्न नंबर 3 में आता है। सबसे ज़्यादा ड्रूल्स प्रीमियम में चिकन एंड होल ड्राइड एग्स मिलाया गया है। तो अगर आप आपके डॉग को कंफ्यूज्ड हो कि पेडिग्री खिलाए या फिर ड्रूल्स प्रीमियम खिलाए तो आप ड्रूल्स प्रीमियम को चूज़ कीजिए क्योंकि आप देख सकते हो कि ड्रूल्स प्रीमियम में पेडिग्री से ज़्यादा प्रोटीन है। नेक्स्ट ब्रांड इज नंबर 3 फोकस पपी फूड जो कि ड्रूल्स कंपनी के ही आते हैं। तो ड्रूल्स फोकस पपी फूड में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया है रियल चिकन, उसके बाद होल ड्राइड एग, नेक्स्ट आता है लॉन्ग ग्रेन राइस, नेक्स्ट ओट मिल एंड एट लास्ट फ्लैक्स सीड। तो ड्रूल फोकस एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड डॉग फूड लग रहा है और ये बैलेंस्ड डॉग फूड ही है क्योंकि इसमें रियल चिकन, होल ड्राइड एग्स, लॉन्ग ग्रेन राइस, ओट मिल एंड फ्लैक्स सीड भी है। तो फ्लैक्स सीड डॉग्स के हेल्थ के लिए एंड डॉग्स के कोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो नेक्स्ट डॉग फूड है रॉयल कैनन लैब्राडोर जूनियर। तो देखते हैं कि लैब्राडोर जूनियर में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया गया है रॉयल कैनन में। नंबर 1 है राइस, नंबर 2 डिहाइड्रेटेड पोल्ट्री प्रोटीन, नंबर 3 मेज जो कि कॉर्न है, नंबर 4 है वेजिटेबल प्रोटीन, नंबर 5 मेज ग्लूटन। ओके, सो मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो रॉयल कैनन का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड वो प्राइस के बेसिस पे जो इंग्रेडिएंट्स है मुझे नहीं लगता कि ये इतना हाई प्राइस का होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट जस्टिफाई द प्राइस फॉर द इंग्रेडिएंट्स। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये सब कंपनी खुद अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा है। तो ये सब कंपनी ने खुद बताया है कि रॉयल कैनन जूनियर में ये सब इंग्रेडिएंट्स ही मिलता है। तो आप ही बताइए कि इतना प्राइस आप पे कर रहे हो और बदले में आपको ये मिल रहा है कि आप ये चूज़ करोगे या फिर ड्रूल फोकस। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आप ड्रूल फोकस ही लें क्योंकि ड्रूल फोकस का प्राइस रॉयल कैनन से ज़्यादा कम है एंड बहुत ज़्यादा कम है एंड ड्रूल फोकस में जो न्यूट्रिशन है, जो फूड वैल्यूज़ है वो आप देख सकते हो कि रॉयल कैनन लैब्राडोर जूनियर से कई हद तक ज़्यादा है। तो अभी जो चॉइस है वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा खिलाना है क्योंकि डॉग आपका ही है। बट मैं हमेशा ड्रूल्स फोकस को ही चूज़ करूँगी क्योंकि प्राइस के हिसाब से जिसका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो सभी मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं मेरे डॉग्स को वही खिलाती हूँ एंड वही कंटिन्यू करूँगी।
तो मैंने आज का जो वीडियो बनाया था, ये वीडियो मैंने ये चार डॉग फूड्स के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद ही वीडियो बनाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे मन में जो भी आया मैं बना दिया, तो मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ के ही वीडियो बनाया था। और भी एक बात बताना चाहूँगी, रॉयल कैनन्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं, फिर भी डिसीशंस आपका है। वीडियो एंड तक देखने के बाद जो भी आपको सही लगे, जो डॉग फूड आपको सही लगे, आप वही अपने पपी को या फिर अपने डॉग्स को खिलाइए। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।